प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था वो हम पढ़े थे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी अभी तक हमने ये पढ़ा है कि जब दो वेक्टर हो तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, लेकिन अब हम स्टडी कर रहे हैं कि जब तीन वेक्टर हो तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, यानी तीन सदिशों का गुणा कैसे किया जाता है। तो उसके अंदर हमने स्टार्ट किया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अर्थात अदिश त्रिकगुणन, जिसके अंदर मैंने आपको यह बताया था कि यदि तीन वेक्टर हो ए बी सी, उनको इस तरीके से लिखा जाएगा और इसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, कुछ ऐसा, ठीक है, ये बताया भाई। हाँ, एक बात और बताई थी कि इसको बी सी ए की फॉर्म में या सी ए बी की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा बी डॉट सी क्रॉस ए, और स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका सी डॉट ए क्रॉस बी, ठीक है। इसके बाद थोड़ी सी आगे की और चर्चा पे आते हैं। इसके बाद मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टी समझा दी थी, और एक लास्ट में इसका जो ज्योमेट्रिकली मीनिंग बताया था, जो एक समांतर षटफलक, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हो, रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड, कि समांतर षटफलक यानी रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड कैसे, कि यदि मान लीजिए इस टाइप का आपके पास एक पैरेललोपिपेड बन जाए और जो आपके ए बी और सी इस तरीके से तीन वेक्टर हों, जो इनको मिलाकर यदि एक रेक्टेंगुलर पिपेड बना लिया जाए तो इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो आपके इस रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड के वॉल्यूम को डिनोट करेगा, यानी इसके वॉल्यूम अर्थात इसके आयतन को दर्शाएगा। बस समझ आई बच्चों, यानी यदि आपको ये बोल दिया जाए, यानी तीन संगामी कोरे, जो वर्ड है हिंदी में, यानी यदि तीन संगामी कोरे, कहने का अर्थ हो गया कि एक ही पॉइंट से यदि तीन वेक्टर निकल रहे हो और वो एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड अर्थात समांतर षटफलक को बना रहे हो, तो इन तीनों का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा अर्थात अदिश त्रिकगुणन होगा, वो उस रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड अर्थात समांतर षटफलक के आयतन को दर्शाएगा, उसके वॉल्यूम को दर्शाएगा। बस समझ आई या नहीं है बच्चों, कोई डाउट है, फॉर्मूला याद रख लोगे? बस याद रखना कि जो ए बी सी है वो एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, यानी संगामी कोर यानी एक ही पॉइंट से निकलने वाली बात है, ओके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, ये था इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग। इसी के बाद यदि इसके अंदर मैं एक वर्ड और देखना चाहूँगा, यानी वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, यदि मान लीजिए कि ये जैसे तीन वेक्टर हैं, एक टेट्राहेड्रन का निर्माण कर रहे हो, एक टेट्राहेड्रन बना रहे हो एक चतुष्फलक का आयतन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ चतुष्फलक अर्थात टेट्राहेड्रन यदि ये बना रहे हो तो इसका जो वॉल्यूम होगा अर्थात इसका जो आयतन होगा वो होगा 1/6 ए वेक्टर बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, कोई डाउट है, याद रह जाएगा, देख लीजिए बच्चों, कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, क्लियर हो गया, बस समझ आई या नहीं आई। यानी मैंने आपको जो दो बातें बताई वो आपको याद रखनी है स्टूडेंट, कि समांतर षटफलक अर्थात रेक्टेंगुलर जो पैरेललोपिपेड होता है उसका वॉल्यूम क्या होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यदि वो तीनों वेक्टर एक ही पॉइंट से निकल रहे हो और एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड को वो बना रहे हो, यदि मान लो वो तीनों वेक्टर एक ही पॉइंट से जा रहे हैं निकल रहे हो और एक टेट्राहेड्रन अर्थात चतुष्फलक बना रहे हो, चतुष्फलक आपको पता है जिसके चार पृष्ठ हो, ऐसे एक ट्रायंगल शेप नीचे का ट्रायंगुलर, ठीक है, उस केस में आपका जो टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम होगा वो होगा 1/6 ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है बच्चों। लेकिन ये तो एक सिंपल सी बात है जो आपको याद रह भी जाएगी, लेकिन एक जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है वो
जो कई बार एज ए थ्योरम भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एज ए बेसिक फॉर्मूला भी है। तो बच्चों अब उसको समझना जरूरी है, तो उसको समझते हैं। देखिए आगे इतनी बात याद रख ले जाएगी भाई, इतना काम आपको प्रीवियस लेक्चर का मेरा बताया हुआ, बस एक नया फॉर्मूला भी बताया टेट्राहेड्रन के वॉल्यूम का। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर थ्री नॉन पैरेलल एंड नॉन जीरो वेक्टर A, B and C are coplanar. ठीक है स्टूडेंट, ये कंडीशन है कि नॉन बी कोप्लेनर, कि नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर थ्री नॉन पैरेलल एंड नॉन जीरो वेक्टर A, B and C are coplanar. अर्थात तीन सदिश के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त, नेसेसरी का मतलब हो जाएगा आवश्यक, ठीक है, आवश्यक एवं पर्याप्त स्थिति किसके लिए पढ़नी है हमें, तीन असमांतर और अशून्य, तीन असमांतर और अशून्य सदिशों के लिए, जब वो क्या होंगे, समतलीय अर्थात सहतलीय होंगे, यानी तीनों के तीनों एक ही प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो वो कंडीशन होती है ए बी सी का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है बच्चों वो क्या हो जाएगा, जीरो। बेसिक मतलब समझ आ गया होगा, ठीक है, भाई सिद्ध क्या करना है पहले वो समझ में आ जाना चाहिए। बच्चों सिंपल सा केस ये है कि आपको तीन वेक्टर दे दिए ए बी और सी, जो मैं कह रहा हूं नॉन पैरेलल एंड नॉन जीरो है, नॉन पैरेलल यानी पैरेलल नहीं है अर्थात समांतर भी नहीं है, नॉन जीरो यानी इनकी कोई ना कोई वैल्यू है, ठीक है, जीरो नहीं है, वो एक ही प्लेन में एक ही तल में होंगे। इसकी जो कंडीशन है वो क्या है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का जो ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सबसे पहले बच्चों आपके माइंड में कोप्लेनर जो वर्ड है वो आना चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मैंने सेट फलक यानी जो फॉर जो रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड भी बनाया उसको आप देखो, भी मैंने कहा था उसके जो थ्री जो वेक्टर होंगे वो ए बी मान लो ऐसे जा रहे हैं, सी मान लो ये भी ऐसे जा रहे हैं, तो क्या इन तीनों को आप इस तरीके से, यदि मान लीजिए आपके पास तीन वैक्टर हों, तीनों को आप बोर्ड पर दर्शा सकते हो क्या, तीनों को आप बोर्ड पर बना सकते हो क्या, तो आप दो वैक्टर को तो ऐसे बना दोगे, लेकिन जो तीसरा वेक्टर इधर आ रहा है इस डायरेक्शन में उसको आप क्या एग्जैक्टली दर्शा सकते हो क्या, नहीं बता सकते हो ना, तो ये एक ही प्लेन में नहीं हुए। परंतु यदि मान लीजिए ये मैं वेक्टर बना लूं, ये ए मान लूं, ये बी मान लूं और ये सी मान लूं, तो तीनों एक ही प्लेन अर्थात एक ही तल पे, एक ही बोर्ड पे समतल पे आए या नहीं आए, एक ही प्लेन पे एक ही तल पे एक ही समतल पे आए या नहीं आए तीनों के तीनों, आगे ना, तो ये क्या होंगे, इन्हें बोला जाएगा कोप्लेनर, ठीक है, अर्थात समतलीय। ये जरूरी नहीं है बेटा तीन वेक्टर ऐसे हों, ऐसे भी पॉसिबिलिटीज है, कई बच्चों के माइंड में आते हैं, जैसे ये देखो इस तरीके से आपको ये शेप दिखाई दे रही होगी, यदि इस तरीके से मान लीजिए आपके तीन वेक्टर हों तो क्या आप इन तीनों को एक साथ बोर्ड पे बता दर्शा सकते हो क्या, डायग्राम बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते। फॉर और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे ये मान लो डस्टर है, इसको कंप्लीटली आप बोर्ड पे नहीं बना सकते हो पूरी शेप, क्योंकि यदि आप बोर्ड पर बनाओगे तो या तो ये पोर्शन दिखेगा या ये दिखेगा, ये दिखेगा, इनमें से कोई एक कंप्लीटली तो नहीं दिखेगा। तो कोप्लेनर
का बेसिकली मीनिंग क्या हो जाता है कि यदि तीनों वेक्टर एक ही प्लेन पे हो जाएं तो बच्चों हम उनको क्या कहते हैं, कोप्लेनर। जैसे फॉर एग्जांपल ये केस, यहाँ पे ए बी सी तीनों एक ही तल, अर्थात जो आपका ब्लैक बोर्ड है यहाँ पे, या जो प्लेन मैं इसको प्लेन मान लूँ तो इसी के ऊपर आ रही है नहीं आ रही है, तो ये कोप्लेनर है, ठीक है। और इसकी जो कंडीशन है भाई कोप्लेनरिटी की, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में, वो क्या होगी, वो होगी ए बी सी का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, जीरो। अब आपके माइंड में एक बात आएगी, सर ये जीरो क्यों होना चाहिए, ये तो प्रूव करना है, ये जीरो होगा इसकी आवश्यक कंडीशन है, जीरो होगा इसकी एक नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन क्यों? तो अब देखिए, मैं प्रूफ करता हूं इसको। सबसे पहले स्टूडेंट मैं मान के चलता हूं, इफ कि इसका यदि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, जीरो है, यदि इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, जीरो है, ये मान के चला मैं, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू जीरो, ये सुनो, ए डॉट बी क्रॉस सी बच्चों क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अब बी क्रॉस सी को मैं एक नया वेक्टर क्या मान लूं, डी वेक्टर मान लूं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है बी क्रॉस सी भी, आपको ये तो पता है कि बी क्रॉस सी का जो बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट है वो एक वेक्टर ही होगा, वो मैं डी वेक्टर मान लेता हूं। तो यहां से ए डॉट डी क्या आएगा, जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है, ए डॉट डी स्टूडेंट क्या आ रहा है आपके पास, जीरो। अब बात समझिए आगे, यदि ए डॉट डी जीरो है तो इसका मतलब ए इज परपेंडिकुलर विद डी वेक्टर होगा या नहीं होगा, है ना। 13.2 बेसिक पे आइए, कॉन्सेप्ट मैंने कहा था, दो वेक्टर का जीरो कब होता है, डॉट प्रोडक्ट, जब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो वही तो प्रोसेस लिखी है कि ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर यदि जीरो है तो ए इज परपेंडिकुलर ऑन डी वेक्टर, ठीक है, और ए डी पे परपेंडिकुलर है। अब स्टूडेंट बात दिमाग में वापस बिठाइए कि मैंने आपको ए क्रॉस बी का मतलब क्या बताया था, मैंने कहा था ए क्रॉस बी एक ऐसे वेक्टर को जनरेट करेगा जो बी और सी दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर हो, कुछ ऐसा, बस समझ आई, यही ऐसा ही वेक्टर है। अब ये जो चौंक है वो डी वेक्टर है, इस चौंक को मैं मान रहा हूं आपका स्टूडेंट ए वेक्टर, मैं ये बोल रहा हूं कि ए डी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ए जो है वो डी के ऊपर परपेंडिकुलर जैसे इस शेप में होगा, कुछ इस शेप में होगा या नहीं होगा, तो या तो वो इसके पैरेलल प्लेन पे होगा या वो लेफ्ट में आके किस पे एग्जिस्ट कर जाएगा, इसी प्लेन के ऊपर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, हाँ या ना, बस मजा ही नहीं। देखो दोबारा बोल रहा हूं, बी क्रॉस सी एक ऐसे वेक्टर को जनरेट कर रहा है जो बी और सी दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर हो, फॉर एग्जाम्पल दिस चौंक, इस चौंक को मान लीजिए। अब ये ए वेक्टर है, मैं ये कह रहा हूं ए डी पर परपेंडिकुलर, देखो पॉसिबिलिटीज तो बच्चों ये भी है, यदि ऐसी है, यदि ये चौंक यहां होगा तो वो इसके पैरेलल प्लेन पे आएगा, और इस पैरेलल प्लेन को मैं खिसकाते हुए इसके ऊपर एकदम ले जा सकता हूं या नहीं ले जा सकता हूं, तो भी तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो यदि ए परपेंडिकुलर डी है और जो डी परपेंडिकुलर बी एंड डी इज परपेंडिकुलर विद सी, यदि डी ए के साथ भी 90 डिग्री बना रहा है, बी के साथ भी 90 डिग्री का एंगल है, सी के साथ भी, इससे एक कंक्लूजन पे आ सकता है कि ए बी एंड सी आर कोप्लेनर, अर्थात समतलीय सहतलीय एक ही तल पर, वो बातें आप बच्चों इसके लिए लागू कर सकते हो। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि यदि तीन वेक्टर का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो जीरो होता है तो इससे ये रिजल्ट बन जाएगा कि वो जो तीनों वेक्टर हैं वो क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे, यानी एक ही तल पर होंगे। ये तो होगी बच्चों नेसेसरी कंडीशन, ये होगा तो ये होगा, सफिशियंट है तो वो देख लीजिए। अब मैं ये मान के चल रहा हूं इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर ए
कोप्लेनर, इफ ए बी एंड सी वेक्टर आर ए कोप्लेनर तब क्या होगा? उस कंडीशन में बी क्रॉस सी को यदि मैं कोई डी वेक्टर मानूंगा, बी क्रॉस सी जो नया डी जनरेट करेगा, तो वह रिजल्ट होगा कि डी इज परपेंडिकुलर विद बी एंड डी इज परपेंडिकुलर विद सी, और बिकॉज ये कोप्लेनर है देन डी वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर ऑन ए वेक्टर। कोप्लेनर है तो ए के ऊपर भी डी क्या होगा? लंबवत होगा, क्योंकि जो मैंने आपको पीछे अभी बताया था वही प्रोसेस। तो इससे मैं ए डॉट डी क्या लिखूंगा? जीरो लिखूंगा। यदि डी ए के ऊपर परपेंडिकुलर था तो लंबवत है, तो उसको मैं क्या लिखूंगा बच्चों? जीरो लिखूंगा। और यदि मैंने इसको जीरो यूज किया तो ए डॉट डी क्रॉस सी क्या हो जाएगा? जीरो। यानी जो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा? जीरो। बच्चों एक ये इंपॉर्टेंट है आपके साथ डेस्क वर्क में, ये जो क्वेश्चन भी दिया गया है जैसे एग्जाम में पूछे जाने लायक भी है, कि जो नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो। ठीक है, यानी तीन एस समांतर एस शून्य सदिशों का यदि अदिश त्रिक गुणनफल जीरो है तो वो क्या होंगे? समतलीय होंगे। बच्चों इसको एक बार देखो, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, आराम से इसको दिमाग में बिठाओ। मिले बच्चों स्क्रीनशॉट? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। तो स्टूडेंट ये होता है अभी तक का आपका 13.4 का बेसिक कंसेप्ट। हाँ, इससे एक कंसेप्ट और बन सकता है, इससे एक कंसेप्ट और बन सकता है, इनवर्स ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो बच्चों वो मेरी तरफ से आपके लिए एक होमवर्क मान लीजिए। इस लेक्चर में आप क्या करोगे, इन्हीं के ऊपर बेस्ड है इनवर्स ऑफ वेक्टर, यानी किसी वेक्टर का इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। हालांकि आपको नई चीज लगेगी, लेकिन इसी से बेस्ड क्वेश्चन है कि ए इनवर्स कैसे होगा। यदि आप यहाँ से देख सीख जाते हो बहुत अच्छी बात है, वरना नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बुक के कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन इजी इजी एग्जाम्पल है, सोल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 22 हम स्टार्ट करते हैं आपके एग्जाम्पल नंबर 22 से। क्वेश्चन है आई जे के जे के आई के आई जे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आई जे के प्लस जे के आई जे के आई प्लस के आई जे इक्वल टू, हमें कितना प्रूफ करना है? 3, यानी सिद्ध करना है कि इक्वल ये 3 होगा। ठीक है, तो करते हैं स्टूडेंट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगाइए, इसको आप क्या लिख सकते हो? आई डॉट जे क्रॉस के प्लस इसको क्या लिख सकते हो? जे डॉट के क्रॉस आई प्लस इसको क्या लिख सकते हो? के डॉट आई क्रॉस ए जे। इतने बस मजा आ गई होगी भाई बच्चों? ऐसा लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता? तो जवाब क्या होगा? ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा लिखा तो अब यदि आपको क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी याद हो तो जे क्रॉस आई किसके इक्वल होता है? आई कैप के, जे के क्रॉस आई जे कैप के, और आई क्रॉस जे के कैप के इक्वल होता है या नहीं होता?
एक क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, आपको मेरी सीख करके भी बताई हुई। तो आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, तो इनको जोड़ दो, तो टोटल आंसर स्टूडेंट कितना आ गया, 3। कोई डाउट है, कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए भी आ जाता है, कई बार 3 मार्क्स के लिए भी आ जाता है, ठीक है, 1 मार्क्स के लिए भी आ जाता है और 3 मार्क्स के लिए भी ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है, सिर्फ आपका बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। यदि आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगी, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगी, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट की, यानी अभी तक आपने जितने तरीकों का गुणनफल पढ़ा है वेक्टर्स का, वो सब का सब यहाँ यूज हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 23 करें फिर, समझ आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 23 पे आते हैं। सिंपल सिंपल कैसे बच्चों, ज्यादा टफ नहीं है। तो एग्जाम्पल नंबर 23, एग्जाम्पल नंबर 23 के क्वेश्चन है कि यदि ए वेक्टर है आई माइनस टू जे प्लस के, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस टू जे प्लस के एंड बी वेक्टर स्टूडेंट इक्वल दिए आई प्लस जे प्लस के, और जो सी वेक्टर है आपका वो दिया है आई प्लस टू जे प्लस के, ठीक है, और आगे क्वेश्चन दे दिया सिद्ध कीजिए यानी दर्शाइए, प्रूव करना है आपको कि ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल होना चाहिए ए क्रॉस बी डॉट सी के, ए क्रॉस बी डॉट सी। तो हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग फाइंड आउट करते हैं और दोनों को इक्वल यदि प्रूव कर दिया जाता है तो प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा स्टूडेंट ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ध्यान से देखो तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है या नहीं है, अदिश त्रिक गुणनफल जो अभी आपको बताया गया है उसी का ही एक फॉर्मूला है या नहीं है, उसी का ही फॉर्मूला है ना, तो बस फिर क्या दिक्कत है, वैल्यू पुट करो। सबसे पहले ए वेक्टर क्या है, 1 माइनस 2 1, आपको इनके कॉम्पोनेंट लेने हैं स्केलर, ठीक है, बताया था ना, और ये प्रीवियस लेक्चर में मेरा सिद्ध करके बताया हुआ है। फिर बी वेक्टर क्या है, 1 1 1 1 1 1, और फिर सी वेक्टर है 1 2 1, ठीक है। अब स्टूडेंट आप इसके ऊपर फोकस कीजिए, ध्यान से देखो तो इसका जो थर्ड कॉलम है और फर्स्ट कॉलम है दोनों इक्वल है या नहीं है। फर्स्ट कॉलम क्या है, 1 1 1, थर्ड कॉलम 1 1 1, तो बेटा डिटर्मिनेंट अर्थात सारणिक का एक रूल होता है कि यदि किसी सारणी के यानी किसी डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम यानी 2 रो या 2 कॉलम आर इक्वल यानी बराबर हो जाए, उस कंडीशन में उसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 0। ना तो आपको एक्सपेंशन अर्थात प्रसार करने की जरूरत है, ना कुछ और करने की जरूरत है, सिंपल सी बात याद रह जाएगी। रूल नंबर 4 ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगा कि यदि किसी डिटर्मिनेंट अर्थात सारणी के 2 कॉलम या 2 रो सेम हो, उस कंडीशन में उसका जो रिजल्ट है वो हमेशा क्या होगा, 0। क्लियर होगी बात इतनी। इसके बाद स्टूडेंट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस बी डॉट सी। जैसा कि स्टूडेंट आप सब जानते हो कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्रम विनिमय अर्थात कम्यूटेटिव होता है, जानते हो ना, तो इसको मैं क्या लिख दूं, यदि मैं इसको सी डॉट ए क्रॉस बी लिख दूं तो कोई दिक्कत होगी क्या। बात तो एक ही है कि ए डॉट बी को क्या लिखा जा सकता है, बी डॉट ए लिखा जा सकता है, तो यदि इसी हिसाब से ए क्रॉस बी डॉट सी को मैं सी डॉट ए क्रॉस बी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बात तो वही है, और ऐसा लिखते ही ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला बन गया। तो उसके अकॉर्डिंग अब क्या आएगा, सी सबसे पहले लिखो, सी क्या है, 1 2 1, फिर लिखोगे ए, 1 माइनस 2 1, फिर है 1 1 1, अगेन वही केस, फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम यानी पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ आपके इक्वल बन रहे हैं, इक्वल बनते ही रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। इक्वल बनते ही स्टूडेंट रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा वेक्टर का। तो दोनों बार 0 आया तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये आसानी से बोल सकता हूं कि ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल होगा ए क्रॉस बी डॉट सी के, और यदि याद हो तो ये जो मैंने आपको प्रॉपर्टी है उसके अंदर भी बताया हुआ है। बात समझ आ गई स्टूडेंट, क्लियर हुआ,
इतने कंसेप्ट क्लियर है दोस्तों। जो एग्जाम्पल नंबर 24 जो आज के लेक्चर का अपना लास्ट एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, उसको आराम से समझिए कि इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। कुछ बच्चों कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे अभी तक जो दो क्वेश्चन किए उनमें सिंपल प्रोसेस है, बस फॉर्मूला याद हो, वैल्यू पुट की क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं आपकी बुक में जिनमें फॉर्मूलों के ऊपर हमें कुछ और चर्चा करनी पड़ती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर जो 24 है स्टूडेंट, वो ऐसा ही कुछ है, आराम से इसको समझिए, कोई डाउट है तो फिर पूछिए, ठीक है। देन एग्जाम्पल नंबर 24 देखिए आपका, एग्जाम्पल नंबर 24 क्या है कि सिद्ध करना है a प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। कुछ ऐसा है बच्चों, यहां पे तो है a प्लस बी, फिर है b प्लस सी, फिर है c प्लस ए, ठीक है, और इक्वल प्रूफ करना है टू ए बी और सी। कुछ ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों लगभग कई बार, लगभग एक मान के चलो, जैसे इससे दो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो शायद 3211 का है या 331 का बन जाए, तो 331 बने चाहे, जो 3 नंबर्स का मार्क का क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है, फॉर्मूलों पे डिपेंड। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट, मैं ए प्लस बी को एक बार मैं क्या मान लेता हूँ पी, बी प्लस सी को मैं क्या मान लेता हूँ क्यू, और सी प्लस ए को मैं क्या मान लेता हूँ एक बार आर, ठीक है। मान सकता हूँ या नहीं मान सकता हूँ, मान सकता हूँ ना, तो इसको मैं क्या लिखूंगा पी क्यू आर, तो ये बन जाएगा पी डॉट क्यू क्रॉस आर। इतनी बात क्लियर होगी, तो सबसे पहले मैं साइड में क्यू क्रॉस आर को सॉल्व करूंगा, ठीक है, मुझे स्टूडेंट ये चाहिए, तो क्यू क्रॉस आर क्या होगा, अब वो देखिए, Q क्रॉस R, Q है मेरे पास B प्लस सी क्रॉस, और ये है C प्लस A, क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए तो आएगा B क्रॉस C प्लस B क्रॉस A प्लस C क्रॉस C प्लस C क्रॉस A। इतनी बार स्टूडेंट समझ आ गई होगी, C क्रॉस C क्या हो जाएगा जीरो, तो ये बन जाएगा B क्रॉस C B क्रॉस A प्लस सी क्रॉस ए। तो अब मैं यदि यहां वैल्यू रख दूं तो मैं क्या लिखूंगा, अब यहां पे सारी वैल्यू लिखूंगा, पी तो है स्टूडेंट मेरे पास ए प्लस बी डॉट, ये है बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, कुछ ऐसा ही है। अब मैं सबसे पहले ए का इन सबके साथ डॉट प्रोडक्ट करूं तो क्या आएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए, ठीक है। अब बी का सबके साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा स्टूडेंट मेरे पास आएगा बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए। स्टूडेंट जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन की है इनमें दो दो वैल्यू एक जैसी है या नहीं है, इसमें ए दो बार आया, इसमें ए दो बार है, इसमें बी दो बार है, इसमें बी, तो यानी जो डिटर्मिनेंट होगा उसकी कोई दो रो एक जैसी बनेगी, तो इन सब का हो जाएगा जीरो, तो रिजल्ट बनेगा ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए। अब यदि आपको जो प्रॉपर्टीज याद हो तो इसको क्या लिखा जा सकता है ए बी सी प्लस, उसको भी क्या लिखा जा सकता है ए बी सी इस फॉर्म में, तो रिजल्ट आ जाएगा टू ए बी सी, ठीक है बच्चों। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, टेक केयर, धन्यवाद।